अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जापान का एक बहुत ही मशहूर एयरपोर्ट जो है उसका दौरा करवाता हूँ। इस एयरपोर्ट की ख़ास बात यह है कि ये समुंदर के ऊपर बना हुआ है और ज़मीन यानी कि जो शहरी जो आबादी है उससे तकरीबन 10 किलोमीटर दूर बनाया हुआ है। इसका नाम है कांसाई एयरपोर्ट। शोर ये है जी, कांसाई एयरपोर्ट इंटरनेशनल टर्मिनल है, ये टर्मिनल नंबर 1। और इस वक्त मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ 1, 2, 3। और ये इस वक्त रात के 10 बज गए हैं और सब कुछ बंद है इस वक्त। कुछ कोरोना की वजह से भी जो है सूरत हाल ये है कि फ़्लाइट्स जो हैं वो बहुत ही कम है, डोमेस्टिक ही चलती हैं ज़्यादातर, इंटरनेशनल जो है वो बहुत कम है। ये साउथ वार्ड है, इसका साउथ साइड है। ये है जी सिम कार्ड्स की वेंडिंग मशीन है, ये सिम कार्ड है। और यहाँ पर आपके पास है जी गूगल सिम कार्ड, ये डेटा सिम है साथ ही भी। और कुछ ये यहाँ पर कॉइन लॉकर्स हैं, इसमें आप पैसे डाल के और कॉइन्स जो है वो यानी कॉइन्स की शक्ल में पैसे डाल के अपना सामान रख सकते हैं। और ये स्पेशल ये भी डेटा सिम की में वो है वेंडिंग मशीन है। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर इस वक्त काम चल रहा है जिसकी वजह से शोर है और हो सकता है कि आपको मेरी आवाज़ भी क्लियर ना आ रही हो, इसलिए बर्दाश्त कीजिए और माजरत के साथ। इंटरनेशनल अराइवल्स यानी कि यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स की अराइविंग लैंडिंग। फिर से शोर लॉसन, ये कन्वीनियंस स्टोर है जो इस वक्त बंद है क्योंकि ये सुबह 6:30 से रात 10 बजे तक होता है। और ये देखें कितने खूबसूरत पौधे हैं जो एयरपोर्ट के अंदर उन्होंने इस तरह से लगाए हुए हैं, और ये सब असली हैं। ये कूड़ा फेंकने के लिए है, ये इसमें आप पेट बोतल डाल सकते हैं, प्लास्टिक की पेट बोतल हैं, इसमें आप जो है बाकी कूड़ा जो है डाल सकते हैं। यहाँ पर हालांकि ये सिर्फ 2 ही कैटेगरीज हैं, कई शहरों में ये 7 भी हैं, 7 कैटेगरीज। कांसाई टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, अच्छा कांसाई एयरपोर्ट को शॉर्ट फॉर्म में किक्स भी कहते हैं, KIX। और ये है जी ड्रैगन का कुछ है, सिर खोपड़ी जो भी समझ लें। अच्छा ये है जी निंटेंडो का काउंटर है, यहाँ पे मार्केटिंग ये है जी स्विच लगे हुए हैं निंटेंडो स्विच डिस्प्ले पे। और हम इस वक्त ये है बाकी वेंडिंग मशीन्स हैं, ये बॉटल की, ये आइसक्रीम्स हैं, बाकी बोतलें हैं, ये जर्नी बैग, बैग के लिए कुछ मैंने रखा हुआ है, ये बाकी बोतलों के लिए है। 9 सस्पेंडेड से अच्छा अभी यानी कि यहाँ सेलिंग कुछ नहीं हो रहा। ये है जी फर्स्ट फ्लोर। अब हम आस्ता आस्ता चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर यानी कि यहाँ के सिस्टम के मुताबिक सेकंड फ्लोर है और
हमारे जो है सिस्टम के मुताबिक फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, चलो जी चलो फर्स्ट फ्लोर अराइवल। इस वक्त फ्लाइट जापान में फ़्लाइट जो है वो लेट नाइट फ्लाइट्स नहीं चलती, डोमेस्टिक भी जो है वो लोकल जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स है वो भी तकरीबन 9 बजे तक मैक्सिमम चलती है। लोकल ट्रेन्स भी जो है, लोकल ट्रेन्स तो रात के 12-1 बजे तक चलती हैं, लेकिन जो लोकल फ्लाइट्स हैं जो ये है वो तकरीबन 9 बजे तक, 10 बजे तक, मैक्सिमम 10 बजे तक जो उनकी लैंडिंग होती है, क्योंकि इन्होंने सही मानों में अपने जो माहौल इर्द गिर्द के लोग हैं उनका ख्याल रखना होता है कि कोई सो रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं हो। ये जी सेकंड फ्लोर है यहाँ के मुताबिक, और हम इसको फर्स्ट फ्लोर कहते हैं पाकिस्तान के सिस्टम के मुताबिक। और ये जी डोमेस्टिक एरिया, डोमेस्टिक एरिया, ये पोस्ट बॉक्स, अपने प्यारों को खतूत भेजें। और यहाँ पर ये लोकल जो ये यहाँ पे बहुत आम ट्रेंड है, ये यहाँ पे ज़िंदगी का हिस्सा है। और ये है जी मैकडोनल्ड, लॉसन, जो नीचे 10 बजे बंद हो गया था, यहाँ पर ये 24 घंटे खुले हैं। ये जो शॉप्स खुली हैं ये 24 घंटे खुली रहेंगी, क्योंकि इनके सिस्टम शुरू से ही सेट किए हुए हैं कि इनके जो टाइमिंग्स हैं वो 10 बजे तक, ओ सॉरी 10 बजे की बजाय 24 घंटे रखने हैं। ये है यहाँ का लाउंज है, खोबान पुलिस मीन्स पुलिस बॉक्स है ये, लॉसन कन्वीनियंस स्टोर, मैकडोनल्ड्स। आइए दूसरी साइड पे चलते हैं जी। ये है जी कांसाई, टाइम चेक लगा हुआ है, ये है जी शॉप्स वगैरह है यहाँ पे भी, यहाँ पे डोमेस्टिक जो फ्लाइट है उसका वो है बूथ बना हुआ सामने, डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है उनका सामने चेक इन और सब कुछ प्रोसीजर यहाँ पे होता है। इस वक्त बंद है फ्लाइट्स, बंद है इस वक्त, रात के 10 बजे हैं लेकिन फ्लाइट्स सब कुछ बंद है। ये अंदर जो है वो कार्ट में, मेरे पास कार्ट है तो मैं कार्ट जो है अंदर नहीं लेके जा सकता, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा, एवं पुठे पंगे ना पै जान मैनू। और ये हम, ये है जी एटीएम काउंटर, एटीएम काउंटर, ये देखिए कोई दरवाज़ा कुछ भी नहीं है, सामने सिंपल ये मशीन है, इधर लाइन लगा के, इधर जो बंदे लाइन में खड़े होके अपनी बारी का इंतज़ार भी करते हैं। और हमारे यहाँ आप बेहतर जानते हैं क्या हालात होते हैं। और ये है जी ANA, यानी ये जापानीज़ एयरलाइन कंपनी है, उसका है ये काउंटर। और ये जाने देखिए इस वक्त ये भी बंद चल रही है क्योंकि टाइम ख़त्म हो चुका है, कोई भी फ्लाइट नहीं जाएगी। और टाइम इस वक्त हुआ है 2:12 यानी 10:12। और इस वक्त ये सारा वेटिंग लॉन्च जो है ये बहुत बड़ा है, और ये 24 आवर्स जो है खुला है, 24 घंटे ये वेटिंग लॉन्च खुला है। तो जापान के चंद एयरपोर्ट्स ही ऐसे हैं जिनमें वेटिंग लॉन्च जो है वो
24 घंटे खुला रहता है, जिनमें एक ये खानसाई है और हानेदा जो कि टोक्यो में है वो भी खुला होता है। नारीता का बहरहाल मुझे पता नहीं है। ये है जी यहाँ के बिलबोर्ड्स और ये इस वक्त ये भी स्टोर भी बंद है। पोकेमोन बच्चों का फेवरेट बच्चे तो चलो हमारे मुल्क में बच्चों का फेवरेट है, इधर बच्चे बुड्ढे जवान सबका है मेरा भी ना हो जाए। गोरमे एवेन्यू गोरमे एवेन्यू कोई टेंशन नहीं भाई। और ये है जी इंटरनेशनल डिपार्चर और ये गचा ये होते हैं जी। इसके अंदर आपने सिक्का डालना है, इसको घुमाना है तो कोई चीज़ हो आपको कोई गिफ्ट इनमें से कोई आपका एक जो है गिफ्ट आ जाएगा बाहर लक बाय चांस बंदा जो है ना। अच्छा और इनका टैगलाइन ये है कि आप आपके पास जो खुले जो सिक्के हैं ना जी आप उनको इस्तेमाल में लाएं। क्या ही बात है भाई, और हमारे वहाँ चिल्लर पूछते ही नहीं है कोई, तो बंदा ले आए सही तो बंदा रुपये के 10 सिक्के ले आए एक एक रुपए के, हम उस पर बरस पड़ते हैं कि भाई तुम क्या ये भिखारी समझा हुआ है। बड़ा जैसे भी है भाई। ये है जी हमारा सेकंड फ्लोर, इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ थर्ड।